संजय दत्त कैंसर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ये तो सबको पता ही है। अगस्त महीने में संजय दत्त के लंग कैंसर से पीड़ित होने की खबर सामने आई थी। इसी के बाद उन्होंने अपना इलाज शुरू करवा दिया है। विदेश में नहीं बल्कि मुंबई में ही संजय दत्त का इलाज हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक्टर के इलाज का एक चरण भी पूरा हो गया है। उनके कीमोथेरेपी की शुरुआत हो गई है। फिलहाल उनका लंबा इलाज बाकी है। पहले चरण के पूरा होने के बाद ट्रीटमेंट का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है, लेकिन इसके बीच संजय दत्त के पास लंबा ब्रेक है। ऐसे में उन्होंने आराम करने की बजाय अपनी शूटिंग को खत्म करने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में संजय दत्त की आगामी फिल्मों की लिस्ट लंबी है, जो कि अटकी हुई है। माना जा रहा है कि संजय दत्त के इलाज के साथ अपनी फिल्मों का बकाया काम भी तेजी से खत्म करेंगे। इसकी शुरुआत शमशेरा से हो गई है। सितंबर के दूसरे वीक में संजय दत्त ने अपने ट्रीटमेंट का दूसरा चरण शुरू करने वाले हैं। इनके इलाज को इतने चरण में बांटा जाएगा, ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इतना तो तय है कि संजय दत्त मुंबई में ही अपना इलाज करवा रहे हैं। अपने इलाज के साथ संजय दत्त शमशेरा की शूटिंग पर भी लौट आए हैं। थेरेपी सेशन के बाद संजय दत्त को काफी आराम है। शमशेरा यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। संजय दत्त के साथ इसमें रणबीर कपूर के साथ वाणी कपूर भी है। फिल्म में रणबीर कपूर डाकू बने नजर आ रहे हैं, जबकि संजय दत्त बतौर विलेन नजर आएंगे। फिल्म की टैग लाइन कर्म से डकैत धर्म से आजाद। फिल्म में कई लंबे एक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं। ऐसे में रणबीर कपूर और संजय दत्त के बीच कई एक्शन सीन्स बनाए गए हैं। आपको बता दें शमशेरा 18वीं सदी की कहानी है। कोरोना के कारण शूटिंग पूरी नहीं हुई, ऐसे में अनलॉक में फिर से शूटिंग शुरू की जा रही है। इस फिल्म का केवल 5 दिन का शूट बकाया है, साथ ही पैच वर्क है जिस पर भी काम किया जाएगा। 1 वीक में काम खत्म कर फिल्म एडिटिंग टेबल पर चली जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। यशराज बैनर की फिल्म है तो फिर बजट हाई होना तो तय है। 1800 सदी पर बेस्ड ये पीरियड ड्रामा का बजट भी 150 करोड़ से अधिक बताया जा रहा है। शमशेरा का साथ संजय दत्त का फोकस अजय देवगन की फिल्म भुज पर भी होगा। OTT पर अक्टूबर में इसकी रिलीज बताई जा रही है। मिमिक्री के सहारे संजय दत्त की डबिंग का काम पूरा किया जा सकता है। इसका बजट 112 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।